हाउ टू एक्सपोर्ट इन आर्मेनिया, आर्मेनिया में हिंदुस्तान से कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि एशियन कंट्री, कुछ लोग कंफ्यूजन रहता है कि ये पार्ट ऑफ एशिया है या पार्ट ऑफ यूरोप है, तो दोनों के बीच का है, लेकिन पार्ट ऑफ एशिया है, एशियन कंट्री में काउंट होता है आर्मेनिया, जिसको कई बार आर साइलेंट रहते हैं तो आर्मेनिया के नाम से भी जाना जाता है, जो ब्रिटिश इंग्लिश में, लेकिन हम इसको आर्मेनिया ही बोलते हैं हिंदुस्तान में, तो मैं बार बार आर्मेनिया का ही नाम लूंगा, आप आर्मेनिया से ही कनेक्ट जाइएगा। तो अगर मैं बात करूँ कहाँ पर आर्मेनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कौन इम्पोर्ट कर रहा है और कहाँ से बेसिकली आर्मेनिया इंपोर्ट करा, कौन-कौन सी कंट्री है, कहां से वो इंपोर्ट करा, कितना इंपोर्ट करा, कौन-कौन से प्रोडक्ट इंपोर्ट करा, पूरा डिटेल रिसर्च आपके लिए लेके हैं, बस आपको एक ही काम करना, वीडियो को देखना लास्ट तक विदाउट स्किप किए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरेस्ट बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर यही बात कर लेते कि आर्मेनिया कहां-कहां से खरीद रहा है, कितना प्रोडक्ट खरीद रहा है, कितनी क्वांटिटी में खरीद रहा है, तो बेसिकली अगर हम यही बात कर लेते कि कौन-कौन सी कंट्री जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करी आर्मेनिया को, उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है रशिया। रशिया से वो जबरदस्त क्वांटिटी में इंपोर्ट कर रहा है। रशिया का पहले वो पार्ट भी था सोवियत संघ का, तो वो आप डिटेल में उसकी हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं कि कब पहले 6 महीने इंडिया ने भी काफ़ी अच्छा उनकी हेल्प की, उनको आर्म्स वगैरह सप्लाई किया। सो आप रशिया की बात कर लेते हैं कि रशिया कितना एक्सपोर्ट कर रहा है या फिर वो रशिया से कितना मटेरियल खरीद रहा है। रशिया से $1.82 बिलियन का पर ईयर वो मटेरियल खरीद रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 33% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ आर्मेनिया, यानी जिसको आर्मेनिया के नाम से भी बोला जाता है, तो मैं आर्मेनिया बार बार बोलूंगा। आर्मेनिया 33% का इंपोर्ट कर रहा है रशिया से, ओनली वन कंट्री से। सेकंड नंबर जो सस्ता देता है चाइना, चाइना से वो $696 मिलियन का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 16% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ आर्मेनिया। थर्ड नंबर पे ईरान आता है, ईरान से वो $406 मिलियन का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 8.2% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ ईरान आर्मेनिया। अगर मैं जॉर्जिया की बात करूं, जो कि जॉर्जिया के पास की कंट्री है, आप अगर मैप में भी देखेंगे तो जॉर्जिया और अजरबैजान और जॉर्जिया के बीच की कंट्री, बेसिकली पास की कंट्री है, तो आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं। तो जॉर्जिया से कितना खरीद रहा है, जॉर्जिया से $255 मिलियन का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 4% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ आर्मेनिया। अगर मैं जर्मनी की बात करूं, यूरोपियन यूनियन से भी वो खरीदता है, क्योंकि यूरोप का पार्ट वो बार बार बनने की कोशिश करता है, तो यूरोपियन यूनियन की जो कंट्री है जर्मनी, जर्मनी से कितना खरीद रहा है, जर्मनी से $225 मिलियन का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 3.9% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ आर्मेनिया। अगर मैं बात करूं कि आर्मेनिया कौन कौन से वो प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है, उससे पहले बता दूं, बेसिकली जो हमारा ट्रेनिंग होता है, ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होता है, उसको आपको ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको सिखाते हैं कि आप बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनकम टर्म क्या होता है, मिलने से पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज करते हैं, पूरा डिटेल में आपको सिखाते हैं, आपको 100% ट्रेंड करने की गारंटी रहती है, और ट्रेनिंग के बाद में आपके पास में हेल्प डेस्क सपोर्ट रहता है, जिसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं वो टॉप इंपोर्टिंग प्रोडक्ट कौन-कौन से जो कि आर्मेनिया सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है, उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है ऑयल, मिनरल ऑयल, मिनरल फ्यूल, मिनरल बिटुमिनस, ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ऑयल रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, जो फ्यूल वाले जो प्रोडक्ट है, वो टोटल इंपोर्ट कर रहा है $908 मिलियन, यानी $908 मिलियन का, दैट इज अराउंड 17% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ आर्मेनिया। अगर सेकंड नंबर की बात करें कि सेकंड नंबर पे कौन सा प्रोडक्ट आता है, सेकंड नंबर पे आता है मैकेनिकल इक्विपमेंट, मैकेनिकल मशीनरी, मैकेनिकल कुछ भी, कोई मैकेनिकल आइटम, मैकेनिकल पार्ट, कोई मशीनरी पार्ट, कोई इक्विपमेंट, कोई मैकेनिकल आइटम, जितना भी कोई टोटल मैकेनिकल आइटम है, वो टोटल इंपोर्ट कर रहा है $512 मिलियन, यानी $512 मिलियन का, दैट इज अराउंड 9.62% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ आर्मेनिया। आर्मेनिया जितना भी इंपोर्ट करता है, उसका 9.62 वो मैकेनिकल प्रोडक्ट, मैकेनिकल आइटम ही इंपोर्ट कर रहा है। अगर मैं बात करूं थर्ड नंबर पे कौन सा प्रोडक्ट आता है, तो थर्ड नंबर पे आता है इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल जनरेटर, इलेक्ट्रिकल केबल, इलेक्ट्रिकल वायर। इलेक्ट्रिकल वायर का अलग से हमारा वीडियो भी है, अगर वो आपने नहीं देखा हमारे चैनल पे जाके आप उसको देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये इलेक्ट्रिकल आइटम कितना इंपोर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल आइटम आर्मेनिया टोटल इंपोर्ट कर रहा है $382 मिलियन का, दैट इज अराउंड 7.17% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ आर्मेनिया। आर्मेनिया जितना भी इंपोर्ट कर रहा है, उसका 7.17% वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल आइटम ही इंपोर्ट कर रहा है। अगर मैं फोर्थ नंबर की बात करी कि फोर्थ नंबर पे कौन सा प्रोडक्ट आता है, तो फोर्थ नंबर पे आता है पीएल्स, स्टोन,
प्रीशियस स्टोन, प्रीशियस मेटल, तो पियल्स मोती जिसको बोला जाता है, मोती तो बेसिकली हम हैदराबाद से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करते हैं। और एक नाम ही है, मैंने अपने क्वेश्चन में भी पूछा था, जो हमारे जो टेक्स्ट पोल होता है एक चैनल पे, मुझे याद नहीं, या तो मैंने इसी चैनल पे पूछा था या फिर अपने दूसरे वाले चैनल जो राजीव सैनी पर्सनल व्लॉग है उस पर पूछा, पर मैंने ये जरूर पूछा था कि सिटी ऑफ पियल्स, पियल सिटी किस सिटी को बोला जाता है, सिटी ऑफ पियल्स मोती की सिटी किसको बोला जाता है। तो काफ़ी लोगों ने उसका रिप्लाई भी दिया और करेक्ट रिप्लाई दिया, हैदराबाद वो बेसिकली सिटी का नाम है। तो काफ़ी लोगों ने बहुत प्यार दिया उस बेसिकली जो हमने पोल किया था, क्वेश्चन पूछा था, सबने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया उसका। तो वो पियल सिटी हैदराबाद है, हैदराबाद में मोती का बहुत ज़्यादा व्यापार होता है, बहुत बड़े बड़े मॉल्स भी है, दुकान भी है, छोटी दुकान, बड़ी दुकान, बड़े बड़े मॉल्स, अलग अलग तरीके के विद सर्टिफिकेट, लैब टेस्टिंग रिपोर्ट विद सर्टिफिकेट आप मोती मंगवा सकते हैं। इवन मैं भी वाइफ के लिए अपना जो गले का हार है, जो मोती का हार है, वो भी मंगवाया था हैदराबाद से। तो आप भी अपना हैदराबाद से ले सकते हैं, या फिर आप हैदराबाद के रहने वाले तो वहाँ से मोती एक्सपोर्ट कर सकते हैं और आर्मेनिया को भी एक्सपोर्ट करें, अच्छा प्रॉफिट मार्जिन आपको देखने को मिलेगा, अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो पियल्स स्टोन प्रीशियस मेटल वो कितना इंपोर्ट करा है, 247 मिलियन डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 4.65% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ आर्मेनिया। आर्मेनिया जितना भी इंपोर्ट कर रहा है उसका 4.65% वो प्रीशियस मेटल, मोती या पियल्स या स्टोन्स, इस टाइप के प्रोडक्ट ही वो इंपोर्ट कर रहा है। अगर मैं फिफ्थ नंबर की बात करूं तो फिफ्थ नंबर पे ऑटोमोबाइल सेक्टर आता है, यानी व्हीकल एंड व्हीकल स्पेयर पार्ट्स। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर से वो कितना टोटल इंपोर्ट कर रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर से इंपोर्ट कर रहा है 237 मिलियन डॉलर का, दैट इज अराउंड 4.46% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ आर्मेनिया। आर्मेनिया जितना भी इंपोर्ट करता है उसका 4.46% वो बेसिकली ऑटोमोबाइल सेक्टर में, यानी कार, व्हीकल, स्पेयर पार्ट्स, मोटर व्हीकल, गियर बॉक्स या उसकी पार्ट्स, स्टिचिंग, स्टेसिस या फिर स्टीयरिंग, कोई भी स्पेयर पार्ट्स से वो टोटल इंपोर्ट कर रहा है। अगर मैं बात करूँ सिक्स नंबर की, तो सिक्स नंबर पे आता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, जो कि फार्मास्यूटिकल हम गुजरात और हिमाचल प्रदेश से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करते हैं। सो गुजरात और हिमाचल प्रदेश का ही मैं बता दूँ कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश दो ही स्टेट को मिलाते हैं, तो अराउंड 5000 FDA अप्रूव्ड यूनिट्स है हमारे पास में, 5000 FDA अप्रूव्ड यूनिट्स हैं जहाँ से हम बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग करते हैं दवाइयों की, क्योंकि यहाँ पे लेबर कॉस्ट सस्ती होती है और हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर है, कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर भी हमें मिलता रहता है टाइम टू टाइम फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। सो अगर हम आर्मेनिया की बात करें कि आर्मेनिया जो मेडिकल दवाइयां हैं, मेडिसिन है, यानी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, वो कितना इंपोर्ट कर रहा है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट 186 मिलियन डॉलर का आर्मेनिया पूरा इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 3.65% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ आर्मेनिया। आर्मेनिया जितना भी इंपोर्ट करता है उसका 3.65% वो बेसिकली फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ही इंपोर्ट कर रहा है। अगर मैं बात करूं सेवन नंबर पे, तो सेवन नंबर पे आता है प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट भी वो जबरदस्त क्वांटिटी में इंपोर्ट करा है, जो कि हम अगेन गुजरात से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। गुजरात में मोर देन 5000 GST रजिस्टर्ड कंपनीज है, फर्म्स है, जो कि GST में रजिस्टर्ड है, जो कि प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसमें से 40-50% लोकल में सेल करती है, बाकी सब एक्सपोर्ट करती है। तो जो लोकल में काम कर रही है उनको भी आप मोटिवेट कीजिए, वो भी एक्सपोर्ट करें, वो भी एक्सपोर्ट में आ गया है, और उनसे आप अगर आप मर्चेंट ट्रेडर हैं तो उनसे आप प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट लेके आप भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप भी इसको एक्सपोर्ट कीजिए। तो आर्मेनिया की बात करें कि आर्मेनिया कितना इंपोर्ट करा है, आर्मेनिया प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट 161 मिलियन डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट करा है, दैट इज अराउंड 3.05% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ आर्मेनिया। आर्मेनिया जितना भी इंपोर्ट करता है उसका 3.05% वो प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, जो कि हम गुजरात से भी एक्सपोर्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं एट नंबर पे कौन सा प्रोडक्ट आता है, एट नंबर पे आता है आयरन एंड स्टील रॉ मटेरियल, जो है आयरन एंड स्टील का रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स नहीं, आयरन एंड स्टील का रॉ मटेरियल वो कितना इंपोर्ट करता है, 125 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट करा है, दैट इज अराउंड 2.35% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ आर्मेनिया। आर्मेनिया जितना भी इंपोर्ट करता है उसका 2.35% वो आयरन स्टील के प्रोडक्ट रॉ मटेरियल बेसिकली यूज इंपोर्ट करता है, जो कि हम छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वहीं पर है माइंस और वहीं पे है बेसिकली स्टील इंडस्ट्रीज। अगर मैं नाइन्थ नंबर की बात करी, तो नाइन नंबर पे आता है एल्युमिनियम एंड एल्युमिनियम के प्रोडक्ट वो टोटल कितना इंपोर्ट करता है, 118 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट करता है, दैट इज अराउंड 2.2% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ आर्मेनिया। अगर मैं 10 नंबर की बात करूं, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वो ऑप्टिकल मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल मशीनरी, जो मेडिकल दवाई मेडिकल में
इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं डॉक्टर के काम आते हैं वो कितना इंपोर्ट करता है, 114 मिलियन US डॉलर का, यानी 114 मिलियन US डॉलर का, दैट इज अराउंड 2.15% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ आर्मेनिया। अगर मैं टेक्निकल रिसर्च की बात करूं, आग ग्लोबल एक्सपोर्ट की टेक्निकल रिसर्च क्या बोलती है आर्मेनिया के बारे में, तो उसमें इकोनॉमी सबसे नंबर वन पे आती है, तो इकोनॉमी 21.78 बिलियन US डॉलर का टोटल इकोनॉमी है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, 29 लाख का ही पॉपुलेशन है, लेकिन पर कैपिटा इनकम जबरदस्त है, 7211 US डॉलर का पर कैपिटा इनकम है प्रति व्यक्ति आए, जो कि हिंदुस्तान का 2500 US डॉलर ही है। और वहां का कौन कौन सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है आर्मेनिया की जीडीपी में, एग्रीकल्चर सेक्टर 16% का कंट्रीब्यूट कर रहा है, इंडस्ट्री 28% का कंट्रीब्यूट कर रही है, और सर्विस इंडस्ट्री 54% का कंट्रीब्यूट कर रही है। अगर टोटल एक्सपोर्ट की बात करें तो 3.6% का 3.6 बिलियन डॉलर का टोटल एक्सपोर्ट कर रहा है, टोटल इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहा है, 7.2 बिलियन डॉलर का टोटल इंपोर्ट कर रहा है, यानी इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है, एक्सपोर्ट कम कर पा रहा है, यानी एक्सपोर्ट डेफिसिट कंट्री है लाइक इंडिया। करेंसी आर्मेनियन द्राहम चलता है, जो कि ड्रेम, जो कि 0.21 इंडियन रुपीस के बराबर होता है, यानी 1 इंडियन रुपीस इज इक्वल्स टू 4.73 आर्मेनियन द्रैम। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद है, जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि आर्मेनिया को टारगेट करना चाहता है, आर्मेनिया को एक्सपोर्ट करना चाहता है, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ आप उसमें एडिशनल वैल्यू एड करना चाहते हैं, तो हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में, और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए, और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। Subscribe our channel and hit the bell icon for all notifications. Thank you.